और साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट पर और हमें मिल गए हमारे गाइड, और अब यहाँ से आगे का सफर हमें पूरा हम ही घुमाएंगे सर को डिटेल में, फोर्ट विजिट कराएंगे पूरा डिटेल में और सर को बिल्कुल खुश करके भेजेंगे। वेलकम सर। First of all, I want to introduce myself. My name is Vishnu Kashyap. I am a Uttar Pradesh tourism guide. Since 2 years. ये आप देख फोर्ट देख रहे हैं सर। This is a Agra fort. Sometimes people call it Red Fort. This is not a Red Fort. Red Fort is in Delhi. It was built in 8 years. But it was this fort. This is Agra fort. This took 95 years and built by 4 Mughal generations. First Akbar, then Jahangir, then Shahjahan and finally Aurangzeb. तो इस तरीके से 4 मुगल जनरेशन ने मिल करके इसको पूरे को फोर्ट को बनाया है सर। और सर ये आप देख रहे हैं पूरा रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है, जो कि जो है क्या रेड स्टोन सैंड स्टोन के पहाड़ होते थे बड़े बड़े, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी वहाँ पर बड़े बड़े रेड सैंड स्टोन के पहाड़ है, तो वहाँ जितने भी फोर्ट आप देखेंगे, चाहे आप जो है दिल्ली का फोर्ट देखें चाहे आगरा का फोर्ट देखें, सब जो है रेड सैंड स्टोन से मंगवाया गया है, रेड स्टोन सैंड स्टोन से बनाया गया और सब वहीं से मंगवाया गया है सर। राइट सर, अभी हम आगे की जर्नी जो है क्या आगे बताएंगे सर। और जो है गेट देख रहे हैं, पहले गेट थोड़ा बड़ा हुआ करता था, बिकॉज मुगल्स यूज टू राइड ऑन कैमल्स हॉर्सेज एंड एलिफेंट, सो द हाइट्स ऑफ द गेट शुड बी बिग, तो इसलिए बड़ा होना चाहिए था। बट जो है क्या जब अंग्रेजों का दौर आया तो उन्होंने जो है क्या इस गेट को छोटा कर दिया, क्योंकि वो मोटर व्हीकल्स वगैरह यूज़ करते थे अंदर एंट्री करने के लिए। और सर आप ये चैन देख रहे हैं साइड में, तो दिस इज़ अ वेरी ग्रेट सेफ्टी रीजन फॉर दैट। अब होता क्या था कि कब जब दुश्मन या दूसरी डायनेस्टी के लोग अंदर अटैक किया करते थे सर, तो होता क्या था कि ये चैन को खींच करके इस गेट को ऊपर पुल कर देते थे, फ्लोर पर जो लगा हुआ है। अच्छा, अच्छा। जी सर, तो इससे क्या है कि पूरा ओपन हो जाता था, और पूरा ओपन गहरी खाई होने के कारण जिसमें पानी पानी था। लेडीज लेफ्ट साइड एंड जेंट्स राइट साइड सर। ओके लेडीज प्लीज लेफ्ट साइड। तो ये पूरा रास्ता खुल जाता था, तो यहाँ पूरा रास्ता खुलने के कारण क्या होता था कि दुश्मन आगे बढ़ ही नहीं पाता था, और ये पूरा जो है कि रास्ता ब्लॉक हो जाता था इस गेट से। राइट सर, यहाँ जो है कि खाई होती थी जो जिसमें एलिगेटर्स और क्रोकोडाइल्स होते थे, तो आगे बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था दुश्मन का। आइए सर, बैग्स एंड ईटेबल्स, इट वॉज नो ईटेबल्स आर अलाउड इन साइड, और वहाँ आपका टिकट काउंटर पर चेक होगा। सही है, आप आगे आइए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। जहाँ जो है कि सुरक्षा के लिहाज से पूरा जो है क्या सिस्टम बना दिए गए चैन खींच करके, जहाँ दुश्मन को अंदर एंट्री नहीं करने देते। ये सर है सेकंड गेट, इसे बोलते हैं अमर सिंह गेट। हु वाज अमर सिंह? अमर सिंह वाज अ चीफ इन कमांडर ऑफ अ मुगल आर्मी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके ही जो है क्या आर्मी के एक पर्सन थे सलाबत खान, और तो अमर सिंह जो थे जो चीफ एंड कमांडर थे मुगल आर्मी के, उनसे उनकी कुछ बहस हो गई, तो लड़ाई में इतना बढ़ गई बात आपस में उनकी कि बात हाथापाई में नौबत आ गई, और जो है कि फाइनली जो है क्या सारी मुगल आर्मी जो है क्या अमर सिंह के पीछे जो है क्या अटैक करने के लिए आ गए। लेकिन अमर सिंह जो कि बहुत ही ग्रेट वॉरियर थे, उन्होंने सलाबत खान की गर्दन काट करके और जो है कि वहाँ से भागने की कोशिश की। बट क्या हुआ कि जब वो जो है इस ऊपर से इधर से जो है ऊपर से छत से जो है घोड़े से भागने की कोशिश कर रहे थे, और घोड़े के साथ उसने छलांग लगाई गेट की तरफ, तो उनके घोड़े की टांग टूट गई। तो इस वजह से क्या हुआ कि वो पकड़े गए और सारी मुगल आर्मी ने मिलकर के उनको मार दिया। बट उनके जो है कि बहादुरी के किस्से अभी भी गिनाए जाते हैं, तो इसलिए उनकी याद में इस गेट को नाम दिया गया अमर सिंह गेट। यहाँ सर अलग अलग डायनेस्टी के लोगों ने, जैसे जाट राजाओं ने, मराठा राजाओं ने समय समय पे यहाँ अटैक करते रहे हैं, तो उनके अटैक से निशान देख आज भी देख सकते हैं कि यहाँ सिरेमिक्स की काफ़ी सारी टाइल्स लगी थी जो कि काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और मोरेवर एक फोर्ट जो है क्या लगभग 500 साल पुराना है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी भी ये काफ़ी मजबूत है और हार्डली इसमें बहुत कम डैमेज हुआ है। लेकिन समय समय पर अलग अलग डायनेस्टी के लोगों ने क्योंकि यहाँ अटैक किया है, तो इसीलिए वो डैमेजेस को उसके निशान है। अंदर जो है क्या काफ़ी जो है क्या आग जला के चले गए थे, लूट करके चले गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लूटपाट की है वो फाइनली अंग्रेज़ों ने की है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोना था, सोने की टाइल्स लगी हुई थी अलग अलग महलों में, वो सब जो है क्या अंग्रेज़ लूट के ले गए। ठीक है सर, आप देख सकते हैं कटिंग फ्लोर पर देख सकते हैं, तो ये जो है क्या ऑर्डिनरी डिज़ाइन नहीं है सर, है ना। अब मुगल्स यूज टू राइड ऑन हॉर्स कैमल्स एलिफेंट्स, तो ये जो है क्या लाइक अ स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते थे ताकि कोई एक्सीडेंट नहीं हो, इन ऑर्डर टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स। तो ये पूरी जो है कि आप ढाल देख सकते हैं पूरी, अब ये स्लोप देने देने का एक ढाल देने का भी ऊंचाई पे एक रीज़न है।
होता क्या था कि दैट वन यू कैन सी द बिग गेट एंड दैट इज द स्मॉल गेट, तो वहाँ बड़े बड़े गेट से जब दुश्मन जो है पीछे से अटैक किया करते थे यहाँ से, क्योंकि एक ही रास्ता था अटैक करने का, तो जब दुश्मन यहाँ से अटैक किया करते थे तो बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंके आते थे, और पत्थर के गोले क्या रोल डाउन करके इस तरीके से आते थे, और रोल डाउन करके जब ये ढाल से स्पीड से आते थे स्लोप से तो इनकी स्पीड और तेज़ हो जाती थी, तो द एनिमी यूज टू क्रश अंडर दैट इन द हैवी रोलिंग बाउल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर के गोले के बीच, है ना। हाउएवर दे ट्राई टू एस्केप बिसाइड द वॉल, यानी कि वो दीवारों के साइड में जो है छिपने की कोशिश करते थे, बट दैट वॉज नॉट ऑल्सो पॉसिबल फॉर देम। होता क्या था कि वहाँ से जो है क्या हॉट ऑयल और हॉट वाटर उनके ऊपर कंटिन्यूसली फेंके जाते थे। हाँ सर, यस सर, ये बने हुए हैं, ये हॉट वाटर एंड हॉट वाटर एंड हॉट ऑयल उनके ऊपर फेंके जाते थे, तो वो क्या करते थे कि उनको बीच में आना ही पड़ता था, जब वो दीवार के साइड नहीं छिप सकते हैं तो बीच में आएंगे, एंड दे क्रश अंडर द रोलिंग बोल्डर्स। और ये सर आप जो है क्या ये दीवार देख सकते हैं, ये जो है क्या एक स्पेशल टाइप की ईंट की बनाई है, ये लाहौरी ईंट, जो कि उसी समय ईंट यूज़ की जाती थी मुगल समय में। बीच में क्या भरा हुआ है? ये बीच में सर ओरिजिनल उसी समय का प्लास्टर भरा हुआ है, राइट सर। उस समय के प्लास्टर भी, उस समय सीमेंट वगैरह तो होते नहीं थे, तो खास तरह के प्लास्टर से बनाया जाता था, क्योंकि काफ़ी मजबूत होती थी, और अभी भी देख सकते हैं कि 500 साल बाद भी जो हो गया कितनी मजबूती से टके हुए हैं सर, है ना। तो लाहौरी ईंट अब तो प्रचलन में कम है, लेकिन उस समय ज़्यादा थी, तो आप जहाँ भी जो है कि ये ऐसा वर्क देखेंगे दैट इज़ द ओरिजिनल वॉल, और जो डुप्लीकेट वॉल होगी वहाँ जो है आप जगह जगह प्लास्टर देखेंगे, वो हम सर आपको आगे दिखाएंगे। यहाँ सर आप देख सकते हैं कि यहाँ बिग गेट और यहाँ स्मॉल गेट, ये वाला। तो जब बड़े बड़े पत्थर के गोले फेंके जाते थे तो बिग गेट से आते थे और रोल डाउन करते हुए स्मॉल गेट में जाके ब्लॉक हो जाते थे, और जब स्मॉल गेट में जाके ब्लॉक हो जाते थे तो जो एनिमी होता था अंदर वो यही ब्लॉक हो जाता था, और ही हैज़ नो वे टू एस्केप, और वो जो है क्या बाहर के जो एनिमी बाहर ही रह जाते थे और अंदर फर्दर कोई एनिमी नहीं आ पाते थे, और अंदर का एनिमी यही ट्रैप हो जाता था, भाग के कहीं नहीं जा पाता था, राइट सर। और यहाँ सर एक और इफेक्ट दिखाएंगे आपको, ये देखिए सर, तो यहाँ जो है कि आपको इको इफेक्ट सुनाई देगा, तो जैसे कि पहले के हॉर्स कैमल्स वगैरह पे राइड करते थे मुगल्स लोग, तो उनके टिक टैक साउंड से पूरा जो है गूंज उठता था, तो उससे बाहर उधर बैठी है आर्मी जो है कि पूरी अलर्ट हो जाती थी और राजा के रॉयल फैमिली के वेलकम के लिए तैयार हो जाती थी। सो दिस इज़ अ स्पेशल पॉइंट ऑफ द आगरा फोर्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्जिट पॉइंट एंड एंट्री पॉइंट, एंड वाई इट इज़ कॉल्ड सो आई विल टेल यू। Here you can see we will enter the this royal fort through this path. So this is the entrance point, and after visiting the whole fort inside, which is a very big fort and have a 16 different palaces and buildings. So after visiting the whole fort, we will come out from here. We will exit from here. So this is entry and this is exit. So this is point. This particular point is called the exit as well as entrance gate. So let's start our journey from entrance gate. सकते हैं कि वहाँ जो है क्या स्टेबल हुआ करता था, यानी अस्तबल हुआ करता था, तो पहले मोटर गाड़ियाँ तो चलती नहीं थी, तो जो मुगल्स लोग थे वो कैमल्स पर, हॉर्सेस पर और एलिफेंट्स पर राइड करते थे, तो सब वहाँ रखे आते थे वो अस्तबल में। तो जब रॉयल फैमिली से जो है क्या राजा अपना एग्जिट करके बाहर आया करता था, तो वो हाथी घोड़े जो है क्या सब जो है क्या तैयार खड़े मिलते थे और साथ में चले जाते थे, युद्ध के लिए जा रहे हैं, शिकार के लिए, और लौटते वक्त भी जो है क्या क्या है यहाँ सारे हाथी घोड़े कैमल्स वगैरह यहाँ रुक जाते थे। और यहाँ आप आगे देख सकते हैं, ये है जहांगीर स्नान कुंड। अब जहांगीर कौन थे सर? जहांगीर कौन थे? जहांगीर जो अकबर के बेटे थे, तो जब वो उनका जन्म हुआ तो उनके मामा जी ने उनको ये गिफ्ट किया, हाँ ये गिफ्ट किया जिसे जहांगीर स्नान कुंड बोलते हैं। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन से कार्व्ड आउट है, इसमें कुरान की होली आयतें लिखी हुई हैं, और जब जो है क्या गिफ्ट किया उनके मामा जी ने, तो पूरा सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा था, बट 1803 में ब्रिटिशर्स आए तो सारा सोना चांदी हीरे सब लूट करके ले गए, राइट सर। अब स्टेप्स इसमें क्या होता था सर कि जो है कि जब बेबी जहांगीर थे तो उनकी मेड सोने लाया करती थी, उनको शावर कराया करती थी और उनको शावर करा के ले जाया करती थी तब से। लेकिन जब बेबी जहांगीर थोड़े खुद बड़े हुए तो अपनी हाइट पर आए, तो ये सीढ़ियों से चढ़ा करते थे और अंदर जाते थे और शावर लेकर के दोबारा वापस आ जाते, तो थ्री स्टेप्स आउटसाइड एंड थ्री स्टेप्स इनसाइड, तो इस तरीके से जो है क्या ये
यूज किया करते थे, लेकिन आपको यहाँ टू स्टेप्स ही नजर आएंगी क्योंकि एक स्टेप्स को लोकल लोगों ने तोड़ दिया। जो है क्या अलग अलग धर्म के कुछ ना कुछ जो है क्या मिक्सचर दिखाई देगा, जैसे कि जो है क्या यहाँ अरबिक और पर्शियन डिजाइन आपको देखने को मिलेगा ऑल ओवर, और यहाँ जो है क्या आप देख रहे हैं ब्रैकेट वर्क जो लगा हुआ है जो छतों को रोकने के लिए, तो ये आप आइडिया लगा सकते हैं कहाँ से लिया गया होगा सर? एक्चुअली सर ये साउथ के हिंदू मंदिर टेम्पलों से लिया गया है, तो साउथ के हिंदू मंदिर टेम्पल्स में और यहाँ के टेम्पल्स में भी आपने काफी देखा होगा ये ब्रैकेट वर्क लगे हैं छत को रोकने के लिए। इवन जो ब्रिटिश के टाइम्स की बिल्डिंग्स हैं उनमें भी ब्रैकेट्स मिलेंगे। ये वर्क सर इतना मजबूत होता था कि आज से कितने साल हो गए, 450 साल भी ये जो क्या ब्रैकेट वर्क इसी तरीके से छतों को रोके हुआ है और कितना अच्छा और मजबूत काम हुआ है, राइट सर? तो यहाँ जो है क्या अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये जो मुगल टाइम था उधर तब इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो देर वॉज नो माइक सिस्टम, स्पीकर सिस्टम कुछ भी नहीं था। तो होता क्या था कि जब अनाउंसमेंट करना होता था तो जो माइक स्पीकर कुछ भी नहीं है तो उसके लिए खास इंतजाम था, तो ये जो है क्या अनाउंसमेंट करने के लिए एक स्पेशल हॉल हुआ करता था अंदर, ये हॉल जहाँ से अंदर से दरबारी खड़े होकर चिल्लाते थे और बाहर बैठी जो है क्या सोल्जर्स और आर्मी अलर्ट हो जाती थी और राजा जो संदेश देना चाहते थे उनको मिल जाते थे। अब ये कैसे पॉसिबल था? अंदर इको इफेक्ट था, यानी हम अंदर जाते थे जाके कुछ जो है क्या शाउट करेंगे तो आवाज़ गूंज और थोड़ा सा इंक्रीज होगी, एम्पलीफाई होगी, तो इसीलिए जो है क्या बाहर जो है क्या आवाज थोड़ी तेज आ करके और इस तरीके से पूरा जो है क्या सोल्जर्स को मालूम पड़ जाता था। तो आइए सर आपको इस रॉयल गेट से अंदर ले चलते हैं। अनाउंसमेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ से जो है क्या सोल्जर्स खड़े होकर के चिल्लाते थे गार्ड्स, और जहाँ से कि आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ मेरी आवाज़ थोड़ी एम्पलीफाई होकर तेज होकर आ रही है, जैसे आवाज़ गूंज रही है हेलो, तो यू कैन फील द इको इफेक्ट ओवर है। तो इसीलिए जो है क्या इको इफेक्ट होने की वजह से आवाज़ तेज होकर के बाहर जाती थी और राजा का संदेश मालूम पड़ता था, और जब राजा जो है क्या बाहर से शिकार करके या फिर जो है क्या युद्ध लड़के लौटता था तो उनके स्वागत के लिए जो है क्या यहाँ फूल बरसाए जाते थे और राजा को जो खड़ा किया जाता था और उनके ऊपर सब तरफ से जो है क्या फूल बरसाए जाते थे उनके वेलकम के लिए, और सभी लोग जो है क्या सर झुका करके बोलते थे कि जहाँ पना आपका जो है क्या शाही महल में स्वागत है, तो वो अंदर एंट्री किया करते थे, फूल बरसाए जाते थे, फिर अपने जो है क्या महल के अंदर जाया करते थे। तो आगे जो है क्या कई तरह के महल है तो वो आपको हम दिखाएंगे सर। ये सर आप ओपन स्पेस देख रहे हैं, ये रंग महल हुआ करता था उस समय, जैसा कि आपको मालूम है कि मुगल्स लोग नाच गाना, डांस प्रोग्राम, नृत्य प्रोग्राम और सिंगिंग प्रोग्राम देखने के काफ़ी शौकीन थे। तो होता क्या था कि बड़े बड़े नृत्य कलाकार और मुजरा हुआ करता था यहाँ पे और सिंगर्स को बुलाया जाता था, तो यहाँ जो है कि राजा टॉप पे बैठा करते थे, बाकी उनके इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ये थ्री कॉर्नर में बैठा करते थे, और यहाँ पूरा ओपन हॉल में जो है डांस प्रोग्राम हुआ करता था, मुजरा प्रोग्राम हुआ करता था। तो जब राजा खुश होता था किसी डांस प्रोग्राम या मुजरा प्रोग्राम या सिंगिंग प्रोग्राम को देख करके, तो उसको जो है क्या काफ़ी सारे खजाने या फिर जो है क्या सोने चांदी से उपहार में दे दिया करता था। और यहाँ जो है छोटी छोटी विंडोज़ देख रहे हैं सर आप, तो यहाँ विंडोज़ जो है क्या होते थे, ये पर्दे के पीछे जो है क्या वुमेंस हुआ करती थी, तो उनको अलाउड नहीं था कि पर्दे के बाहर निकलना उस समय मुगल्स के समय, तो पर्दे के पीछे से ही वो डांस प्रोग्राम सिंगिंग प्रोग्राम सब कुछ एंजॉय किया करती थी, और यहाँ सारे सोल्जर्स और गार्ड्स तैनात रहते थे। तो वहाँ जो है क्या जहांगीर का और सभी बादशाहों का जो है क्या किचन हुआ करता था, तो यस सर ये किचन हुआ करता था और वहाँ जो है क्या डाइनिंग रूम में जो है क्या लंच डिनर ब्रेकफास्ट सभी कुछ जूस जो भी चाहिए होता था बादशाह को जहांगीर को वहीं दिया जाता था। तो सर आप ये का ओपन स्पेस देख सकते हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ब्यूटीफुल व्यू ऑफ ताज। तो यहाँ से हम आगे कई पैलेस घूमेंगे तो हमें ओपन व्यू जो है का ताज का हर जगह दिखाई देगा, राइट सर? तो यहाँ से सर हम देख सकते हैं ओपन व्यू ऑफ ताज बिसाइड द यमुना रिवर, तो यहाँ से सर यमुना रिवर के साइड में आप देख सकते हैं ओपन व्यू ऑफ ताज। अब यमुना रिवर के राइट साइड पे जो है देखिए ये ताजमहल है, इस के लेफ्ट साइड पे जो है क्या ब्लैक ताजमहल भी बनने वाला था जो कि जो है क्या शाहजहां बनवाना चाहता था, बट औरंगजेब उस चीज़ के खिलाफ था तो उसने ये बनने नहीं दिया और अपने फादर को जो है क्या कैद करके जेल में डाल दिया। अकबर के बेटे जो जहांगीर थे उनको गर्मी बहुत लगती थी, यहाँ आगरा की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, तो उनके लिए जो है क्या खास तरह का एसी रूम उनके फादर अकबर ने गिफ्ट किया, जो एसी रूम हम उधर देखेंगे। तो आइए सर, तो जैसा कि हम जानते हैं सर कि उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो इन्वेंट नहीं होती, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के एसी रूम कैसे पॉसिबल है, तो ये हम आपको बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे। तो उस एसी रूम को चलाने के लिए सर काफ़ी सारा पानी यूज़ किया जाता था,
तो वो सारा पानी जो है क्या उस रूम से होते हुए और उस छोटे से गैप से निकल करके इस ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू इधर आता था और पूरा कलेक्ट हो जाता था अंदर। इसके अंदर कलेक्ट होने के बाद इधर होल्स होते थे, वो आप आज भी देख सकते हैं, उधर होल्स है, एक होल है जी सर। तो इधर जब जितना भी पानी भर जाता था तो अल्टीमेटली इट सीव्स डाउन इनटू द रिवर यमुना थ्रू द ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू होते हुए यमुना रिवर में सीव डाउन करके निकलता जाता था, राइट। हम देख सकते हैं कि सर हम एसी रूम में एंटर करने वाले हैं। अब यहाँ जो है क्या उस समय समर्सिबल या पंप तो हुआ नहीं करती थी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था उस समय। तो दिन रात सैकड़ों वर्कर्स यमुना रिवर से बकेट्स ले लेके ऊपर आते थे और ऊपर टैंक में पानी भरते थे लगातार, और पानी जो है क्या एसी रूम को यूज चलाने के लिए यूज किया जाता था। इवन ब्रिटिशर्स वॉज अमेज्ड टू सी दिस टेक्नोलॉजी ऑफ एसी रूम, यानी ब्रिटिश को भी जो है बहुत ताजुब हुआ था कि यार बिना इलेक्ट्रिसिटी के कैसे पॉसिबल है। बाहर का टेम्परेचर 47-48 डिग्री और अंदर का टेम्परेचर 18 और 19 डिग्री तक मेंटेन रहता था। तो आइए सर आपको वो टेक्नोलॉजी समझाएंगे। यहाँ सर आप देख सकते हैं कि इनकी वॉल्स काफी चौड़ी हुआ करती थी, तो ये एक्चुअली में पूरी एक वॉल नहीं है, तो दो वॉल को मिलाकर के एक वॉल बनाई गई है, दो पिलर्स पूरी। तो फर्स्ट वॉल ये वाली, सेकंड वॉल ये वाली, और बीच में क्या होता था हॉलो स्पेस होता था, यानी खाली जगह होती थी। तो होता क्या था कि जब ऊपर से जो है क्या वाटर जो है क्या आता था तो दीवारों के बीच होते हुए आता था, तो दीवारों को ठंडी कर रखता था। और मोरेवर ये दीवारें होती थी वो मुल्तानी मिट्टी की बनी होती थी, और मुल्तानी मिट्टी की तासीर क्या होती है, ठंडी होती है। तो इसलिए जो है क्या वॉल्स काफी ठंडी रहती थी, तो ये अल्टीमेटली ये रूम काफी ठंडा हो जाता था, राइट सर। तो इधर हमें तीन एसी रूम देखने को मिलेंगे, फर्स्ट एसी रूम, सेकंड एसी रूम और थर्ड एसी रूम, राइट सर। तो यहाँ सर आप देख सकते हैं कि फोर्ट की सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ दो मोट हुआ करती थी, एक क्या होती थी ड्राई मोट यानी जंगल का एरिया, एक ड्राई मोट यानी जंगल का एरिया, वो पूरा फोर्ट के चारों तरफ सराउंड है, चारों तरफ सराउंड है, और एक वैक मोट हुआ करती थी जो पॉन्ड का एरिया। तो जंगल के एरिया में जंगली जानवर हुआ करते थे, जैसे कि लायन टाइगर्स वगैरह, एलिफेंट्स वगैरह, तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से आते थे। तो यहाँ जब भी जो है कि दुश्मन बाहर से अटैक किया करता था तो लायन टाइगर्स एलिफेंट वगैरह सब अटैक करके एनिमी को कुल कर दिया करते थे। और हाउएवर इफ ही एस्केप यानी कि अगर बच जाता था और वो अंदर आता था तो पॉन्ड के एरिया में आकर के जो है कि क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर होते थे, तो वो जो है वो नहीं छोड़ते थे उनको। तो इसलिए पूरा फोर्ट का सिस्टम जो है कि इस तरीके से सिक्योरिटी से सराउंड है, यानी कि आप ये ड्राई मोड और वेट मोड पूरा चार ओर देखेंगे, जिससे के लिए इम्पॉसिबल था दुश्मन के लिए कि अंदर किले के अंदर जो है क्या आना। और मोरेवर यहाँ गार्ड्स खड़े होते थे, तीर कमान लेकर के खड़े होते थे, तो वो तीर कमान लेकर, क्योंकि उस समय गन्स और ये तो इन्वेंट नहीं हुए थे, तो ये इससे जो है क्या सिक्योरिटी और बढ़ जाती थी, क्योंकि किसी भी फोर्ट के लिए सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। अगर दूसरी डायनेस्टी के लोगों ने आकर राजा पर अटैक किया और राजा एक बार फिनिश, तो पूरी जो है क्या उसकी डायनेस्टी खत्म थी, है ना। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, बस जो है क्या मधुमक्खी का छत्ता आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है आज के, राइट सर। तो विंडो ओपन है कि क्लोज है? बट इट इज लुकिंग लाइक क्लोज सर, ये तो बंद दिख रहा है, पीछे क्लोज है, आगे ओपन है। तो चलिए सर हम आपको अंदर दिखाते हैं, इट इज एक्चुअली ओपन फ्रॉम इनसाइड। ये देखिए सर, ऐसा विंडो जो है कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल, फॉर द प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइट सिस्टम। दिन में लाइट के लिए और वेंटिलेशन के लिए ये काफी अच्छा यूजफुल होता था। अंदर से खिड़की दिखा, तो यहाँ देख सकते हैं यार सर, एक्चुअली इट इज ओपन फ्रॉम इनसाइड, और स्लोपिंग वे में हवा आती थी और वेंटिलेशन सिस्टम के थ्रू जो है क्या है पूरा हवा, जिस जगह हम खड़े हैं तो उस जगह पूरा फोकस होता था हवा का, और पूरा वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं था। अभी तो जो है हवा, मतलब विंड इतनी स्पीड नहीं है, जब हवा तेज चलती है तो काफी अच्छा जो है ठंडा, ठंडी हवा यहाँ से महसूस होती है। दोस्तों वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसलिए मुझे अलग अलग पार्ट्स में बनानी पड़ रही है, तो मैं आपको अलग अलग पार्ट्स में बना के वीडियो भेज रहा हूँ, प्लीज वॉच।